News 18, India. पश्चिम बंगाल की संदेश खाली की घटना से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। संदेश खाली में आरोपी टीएमसी नेता शाहजहां शेख की अग्रिम जमानत याचिका ईडी की स्पेशल कोर्ट ने खारिज हो गई है। उत्तर 24 परगना के संदेश खाली में टीएमसी नेता शाहजहां शेख के ऊपर ईडी पर हमले, महिलाओं के यौन उत्पीड़न और राशन घोटाले में शामिल होने के संगीन आरोप हैं। शाहजहां शेख की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई है। ईडी स्पेशल कोर्ट में ये याचिका खारिज हुई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रही है, शाहजहां शेख फरार है। जब कलकत्ता हाईकोर्ट कह चुका है कि आत्मसमर्पण करना चाहिए शाहजहां शेख को, उसके बावजूद वो कहां है किसी को मालूम नहीं। संदेश खाली में टीएमसी नेता अजीत मायती की पिटाई के मामले में पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। कल लोगों का गुस्सा टीएमसी के नेता अजीत मायती पर फूट पड़ा था। लोगों ने नेता के घर में तोड़फोड़ कर दी और उन्हें चप्पल से पीट दिया था। टीएमसी नेता ने आरोप लगाया कि उन पर साजिश के तहत ये हमला किया गया और इसके बाद टीएमसी नेता अजीत मायती के घर पर हमला करने वाले और उन्हें पीटने के आरोप में पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी ले लिया था। और इस वक्त आशिका हमारे साथ संदेश खाली से लाइव जुड़ी हुई है। आशिका, एक तरफ हम देख रहे हैं लोगों का गुस्सा भी फूट रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अभी भी शेख शाहजहां फरार है, कहां पर है किसी को नहीं पता। आज संदेश खाली के लिहाज से क्या हलचल रहने वाली है, सबसे पहले आप न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को वो बताइए। देखिए, फिलहाल बात करें तो डीजी कल पहुंचे थे और उसके बाद वहाँ पर दो दिनों से लगातार विरोध प्रदर्शन हुए जो स्थानीय लोग हैं उनकी तरफ से। आज अगर ऐसा कोई विरोध प्रदर्शन होता है तो उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। इसके अलावा सियासी तौर पर आज बात करें तो तृणमूल कांग्रेस की तरफ से एक दल वहाँ पर जाएगा जिसमें राज्य के मंत्री सुजीत बोस भी शामिल होंगे। वो वहाँ पर स्थानीय लोगों से मिलेंगे। कैंप लगाए गए हैं जहाँ पर लोगों को आकर के शिकायत करने को कहा जा रहा है, तो उन कैंप्स में भी विजिट करेंगे संभव है। और इसके अलावा बात करें तो सियासी तौर पर आज संदेश खाली में इतना ही रहेगा। हालांकि इसके साथ अगर विरोध प्रदर्शन होते हैं तो उनको सबसे पहले देखना पड़ेगा, क्योंकि विरोध का दौर जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। ठीक है आशिका, आप रहिए हमारे पास, लौटेंगे आपके पास। संदेश खाली के बेड़मजूर में बवाल काफी ज्यादा बढ़ गया है। टीएमसी नेता अजीत मायती की लोगों ने पिटाई कर दी, वहां पर आगजनी की भी घटना हुई है। घटना के बाद पुलिस एक्शन में आई, टीएमसी नेता के घर पर हमला करने वाले और उन्हें पीटने के आरोप में कई लोगों को हिरासत में लिया। जिन परिवार के लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उनके घर की महिलाएं सड़कों पर रोती हुई नजर आई। तीन तस्वीरें आपके सामने हैं। लोगों का गुस्सा भड़का हुआ है, विरोध में आगजनी हुई है। आप देखिए, पिछले दो दिनों से लगातार आगजनी हो रही है। हिरासत में कई आरोपी हैं, लेकिन जिन लोगों को हिरासत में लिया गया उनके परिवार वालों का गुस्सा फूटा, महिलाएं रो रही हैं। टीएमसी नेता की कैसे पिटाई होती है ये आप देखिए। ये इस वक्त टीएमसी का हाल है। इस वक्त हमारे साथ आशिका बनी हुई है। आशिका, हम संदेश खाली से जो तस्वीरें देख रहे हैं, हमने देखा कि दो आगजनी की घटनाएं होती है, टीएमसी नेता की पिटाई होती है, उसके बावजूद शेख शाहजहां फरार है और ममता बनर्जी चुप है। बिल्कुल, शेख शाहजहां देखिए 50 दिन से ज़्यादा हो गए ईडी पर हमले की घटना को लेकर के, और उसके बाद दो हफ्ते से ज़्यादा का समय हो गया जब ये महिलाएं विरोध प्रदर्शन कर रही हैं और गंभीर आरोप लगा रही हैं। बाहर आकर के ऐसी ऐसी आरोप लगा रही हैं जिन्हें सुनकर के होश उड़ जाएं। उसके बाद भी शेख शाहजहां अब तक कहाँ हैं इस पर कोई जानकारी पुलिस भी नहीं दे पाई है। पुलिस का ये कहना है कि कानून जो भी तोड़ेगा उस पर एक्शन ज़रूर लेंगे, लेकिन फिलहाल कल एक्शन जो विरोध प्रदर्शन करने वाले थे उनके ऊपर पुलिस का नजर आया, लेकिन शेख शाहजहां अब भी पुलिस के शिकंजे से बाहर ही है। और ब्रेकिंग न्यूज दर्शकों को पहले बता दें, बीजेपी नेता दिलीप घोष ने भी टीएमसी नेता की पिटाई का वीडियो ट्वीट कर दिया है। संदेश खाली में टीएमसी नेता की पिटाई के मामले में कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। ये वीडियो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। ये बीजेपी के नेता दिलीप घोष की तरफ से भी ट्वीट कर दिया गया है, टीएमसी नेता की पिटाई का ये वीडियो है। हालांकि आपको ये भी बता दें उसके बाद कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। संदेश खाली में टीएमसी नेता की पिटाई के मामले में कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया, लोगों का गुस्सा वहां पर फूट पड़ा। उधर आरोप ये लगाया गया
की साजिश के तहत इस हमले को अंजाम दिया गया। आपको संदेश खाली से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट बताते हैं। शाहजहां शेख की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई है और आप ये समझिए कि उसको राहत नहीं मिली है, फिर भी वो पकड़ से दूर है। शेख पर महिलाओं को देर रात को टीएमसी दफ्तर में बुलाने का आरोप है। गंभीर आरोप शेख शाहजहां पर है। शेख के साथियों पर जमीन पर कब्जे का आरोप है। इसके अलावा 9 फरवरी की रात को पुलिस ने धारा 144 लगाई। पुलिस ने बीजेपी नेताओं को दौरा करने से रोका। इसी वजह से संदेश खाली में संग्राम मचा हुआ है। एससी कमीशन ने बंगाल में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की। आप ये समझिए कि सिफारिश हो चुकी है राष्ट्रपति शासन की एससी कमीशन की तरफ से, लेकिन टीएमसी नेता शाहजहां शेख अब तक फरार है। उसकी गुंडाई, उसका रसूख आप देख लीजिए कि लोगों में उबाल है, लोगों का गुस्सा चरम पर है। टीएमसी नेता की लोग पिटाई कर रहे हैं, महिलाएं सामने आती हैं, लेकिन उसके बावजूद शेख शाहजहां फरार है। आशिका लगातार हमारे साथ बनी हुई है। आशिका, हमने पूरी टाइमलाइन बताई जब ईडी की टीम पहुंचती है, कैसे ईडी के अफसरों की पिटाई होती है, वो घटना कोई नहीं भूलता है। उसके बाद कलकत्ता हाईकोर्ट को कहना पड़ता है कि शेख शाहजहां को आत्मसमर्पण करना चाहिए, फिर भी वो फरार है, किसी को मालूम नहीं। आपको ये भी बता दें जसप्रीत की कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान एक मामले में सीबीआई की तरफ से ये कहा गया था कि बिन लादेन से तुलना की गई थी शेख शाहजहां की। ये कहा गया था कि पर्दे के पीछे छुप करके ऑडियो जारी करता है लेकिन सामने नहीं आता, पुलिस की तक उस तक नहीं पहुंच पाती है। साथ ही साथ कोर्ट की तरफ से भी कड़ी टिप्पणियां कई बार की जा चुकी हैं। इसके पहले भी कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा चुका है शेख शाहजहां, उसने अपनी बात रखने का मौका दिया जाए ऐसे आवेदन दी थी, जिसके बाद कोर्ट ने ये कहा कि उसे फिलहाल पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए कह दिया था कि पुलिस क्यों उसे नहीं पकड़ पा रही, वो क्यों नहीं आकर के आत्मसमर्पण करता, उसके बाद अपनी बात जो है वो सामने रखता है। तो गंभीर अपराध जो है इसके आरोप लग रहे हैं शेख शाहजहां के ऊपर, लेकिन उसके बाद भी 50 दिन ईडी पर हमले को और 2 हफ्ते से ज़्यादा का समय, करीब 15 दिन से ज़्यादा का समय हो चुका है जब महिलाएं ये गंभीर आरोप लगा रही हैं। इस मामले में 2 गिरफ्तारियां ज़रूर हुई हैं, शेख शाहजहां के दोनों गुर्गे हैं, लेकिन गिरफ्तारी भी किस तरह से हुई। पहली गिरफ्तारी उत्तम सरदार की तब जब टीएमसी से उसे निकाल दिया गया, दूसरी गिरफ्तारी तब उसके 1 हफ्ते बाद। इस दौरान लगभग 1 हफ्ते तक वो आराम से टेलीविजन की, लेकिन अभी भी शेख शाहजहां कहां है किसी को नहीं पता। बने रहिए आशिका, संदेश खाली में लोगों का आक्रोश इस कदर बढ़ गया है कि विरोध में लोग आगजनी पर उतर आए हैं। संदेश खाली के बेड़मजूर ग्राम पंचायत के एक स्टोर रूम में लोगों ने आग लगा दी, अब जिसे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर किसी तरह से बुझा लिया। वहीं झूप खाली में आपको बता दें कि फिर से विरोध प्रदर्शन हुआ। शेख शाहजहां के भाई शेख सिराजुद्दीन के एक फार्म में लोगों ने आग लगा दी। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, पहली तस्वीर आप देखिए स्टोर रूम में ये आगजनी की गई, किसी तरह से आग को बुझाया गया, और दूसरी तस्वीर शेख शाहजहां के भाई पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, क्योंकि शेख शाहजहां कहां है वो तो मिल नहीं पा रहे, लेकिन भाई का जैसे ही पता चला वहां पर लोग पहुंच गए। फिर से एक आला घर में कुछ लोगों ने आग लगाई और उसके बाद एक मिसाइल निकाला गया। हम लोगों का पुलिस टीम वहां पे घटनास्थल पे पहुंचे, आग निभाया और जो मिसाइल था उसको डिस्पर्स किया। हम आपके माध्यम से फिर से एक बार संदेश खाली के जितने भी नागरिक हैं सबको एक वार्ता देना चाहते हैं कि ये जो लॉलेसनेस है ये पुलिस एकदम बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर जो कोई भी कानून को अपने हाथ में लेगा, पुलिस कानूनी कार्रवाई करेंगी उनके खिलाफ। उधर संदेश खाली पर सियासी पारा हाई है। बीजेपी की तरफ से ममता सरकार पर आरोप लगाया गया है कि पश्चिम बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तो वहीं टीएमसी की तरफ से यह आरोप लगाया गया है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी कमजोर है, इसीलिए राष्ट्रीय एससी एसटी आयोग को भेजा गया है। जो महिलाओं पे अत्याचार हुआ और उसके बाद मीडिया के साथ दुर्व्यवहार हुआ वो निंदनीय भी है, दुर्भाग्यपूर्ण भी है, और दुख की बात यह है कि उसके बावजूद पश्चिम बंगाल की सरकार हाथ पे हाथ धर के बैठी है। महिलाओं के डेलीगेशन जो केंद्र से गए भी, उनसे या जो स्थानीय तौर पे गए, आखिरकार उनको क्यों रोका जा रहा है? मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि मीडिया के खिलाफ इस तरह का दुर्व्यवहार क्यों,
और महिला जब एक अपने महिला मुख्यमंत्री के रहते सुरक्षित महसूस नहीं करती तो वहाँ के कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े होते हैं। तो किधर था वो, यूपी में, एमपी में, गुजरात में, मणिपुर, वहाँ पर ये कमीशन कहाँ थे? अभी बंगाल में वो ऑर्गेनाइजेशनली बीजेपी वीक है, इसीलिए इस तरह जो कमीशंस है उसको यहाँ पर भेज रहे हैं। आशिका, इस पर सियासत तो हो रही है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि शेख शाहजहां कोर्ट का दरवाजा तो खटखटा रहा है, लेकिन फिर छुप क्यों रहा है? जांच से किस बात का डर है? उससे भी बड़ा सवाल जसप्रीत ये है कि शेख शाहजहां आखिर है कहां, संदेश खाली में है या फिर लगवा जो बांग्लादेश सीमा है उसको पार कर चुका है, बांग्लादेश जा चुका है। जो जानकारी इसके पहले मिली थी कि बांग्लादेश में भी उसका घर, व्यापार, जमीन सब कुछ है, तो शेख शाहजहां बंगाल में है, संदेश खाली में है या फिर बांग्लादेश भाग गया है, और उस पर एक्शन क्यों नहीं हुआ? इतना लंबा समय बीत चुका है। देखिए, ईडी पर जब हमला हुआ था उसका मास्टरमाइंड शेख शाहजहां को ही माना जा रहा था। ईडी की टीम वहां पर पहुंचती है और लगभग 27-28 कॉल उसे करती है। टावर लोकेशन ये बताता है कि घर के भीतर था उस समय, लेकिन बाहर नहीं आया, और ईडी ने जब ताला तोड़ने की कोशिश की तो अचानक से भीड़ आई और ईडी की टीम पर हमला कर दिया। खूनी हमला कह सकते हैं जो घटना थी उसे, और उस घटना के बाद अचानक से वो गायब हो जाता है, पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ता है, और उसके बाद जब इतना आंदोलन हो चुका, अब भी शेख शाहजहां पुलिस के शिकंजे से बाहर नहीं है। आशिता, आप नजर बना के रखेगा, कोई अपडेट होगा संदेश खाली की घटना से जुड़ा हुआ तो एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़े पश्चिम बंगाल में ईडी पर हमले को अब 50 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक भी इस घटना के आरोपी शेख शाहजहां की गिरफ्तारी हो नहीं पाई है। वहीं 7 फरवरी से संदेश खाली में महिलाओं का आंदोलन शुरू हुआ है, लेकिन अब तक शेख शाहजहां कहां है कोई भी पता अभी तक पुलिस नहीं लगा पाई है। अब आरोप यह है कि शेख शाहजहां ने अपने गुर्गों के दम पर संदेश खाली में अपने साम्राज्य को कायम कर रखा था। तो अभी तक शेख शाहजहां आखिर है कहां? 50 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक भी उसका कोई पता नहीं चल पाया। सवाल तो ये भी है कि क्या वो संदेश खाली में ही है, पश्चिम बंगाल में ही है, या फिर वो बांग्लादेश भाग गया है, ये भी एक बड़ा सवाल है।